वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस समय चल रहे हैं त्वचा की कोशिकाएं यानी एपिथेलियल टिश्यूज इसका नाम है। और इस समय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्हीं कोशिकाओं में से एक प्रकार होता है विशेषीकृत उपकला, स्पेसिफाइज्ड। क्या लिखा है ये? स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम। एपिथीलियम तो आपको समझ में आ गया होगा ना, तो त्वचा की कोशिकाएं उनको हम एपिथीलियम कहते हैं। जो त्वचा में पाई जाती कोशिकाएं वो भी कई प्रकार की होती हैं। पिछली भी क्लासेस में मैं आपको कई प्रकार की बता चुकी हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्पेसिफाइड एपिथीलियम, स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत जो है उपकला है। ये तीन प्रकार की होती है, सामने आपके बनी हुई। ये इसमें संवेदी रोम है और संवेदी तंत्रिका कोशिका है ये। और इसमें कैसी कोशिकाएं? स्तंभ के आकार की कोशिकाएं हैं जो एक आधारी कला पर ये टिकी हुई हैं। और यह इसमें से निकल के तंत्रिका तंत्रु बाहर आ रहे हैं। सब में जो है वो आपका केंद्रक पाया जा रहा है। और ये कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी कॉलमनर या स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये उपकला भी फिर आगे जाकर तीन भागों में बढ़ जाती है। पहला है अंतर्वर्ती उपकला, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? इसकी कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक पर टिश्यू टिकी होती हैं। और ये सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली एवं पतली होती हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक पर टिकी कोशिकाएं और ट्रांजिशनल एपिथीलियम, है ना। ये जीवित होती है, लचीली होती है और पतली होती है। जब कभी इन कोशिकाओं पर कोई दबाव पड़ता है तो इनकी लंबाई परिवर्तित हो जाती है और ये मूत्रवाहिनी की आंतरिक दीवार पर पाई जाती हैं। मूत्रवाहिनी हमारी सिकुड़ती तथा फैलती रहती है, तो उसकी आंतरिक दीवार पर इस प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं तंत्रिका संवेदी उपकला या न्यूरो सेंसरी एपिथीलियम। जैसा आपको लग रहा कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में होना चाहिए, तो सेंसरी ऑर्गन्स में ही पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच में संवेदी या सेंसरी नर्व्स पाई, सेंसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं। और ये घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, घ्राण माने सूंघने वाले, इसको क्या बोलते हैं? घ्राण माने जो हम सूंघते हैं उसको बोलते हैं घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, अंतर्करणों की उपकला और नेत्र की रेटिना एवं स्वास्थ्य कलिकाओं में ये पाई जाती है। घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, घ्राण अंग हमारे कौन थे? नाक। नाक की जो श्लेष्मा होती है उसमें ये पाए जाते हैं। और कान, अंतरकरण जो हमारे कान होते हैं वो भी तीन होते हैं, उसमें सबसे अंदर वाला जो कान है अंतरकरण जो है उसमें भी, उसकी श्लेष्मिक कला में भी ये पाई जाती हैं, है ना। घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला में पाई जाती हैं और अंतरकरणों की उपकला में पाई जाती हैं। अंतरकरण हमारे सबसे अंदर वाला कान जो हमारा कान है उसमें, और नेत्र की रेटिना में भी ये पाई जाती है। नेत्र में हमारे रेटिना होती है जिसमें शंकु और तंतु नाम की रॉड्स है और ग्लॉट्स पाए जाते हैं, उनमें भी ये उपस्थित होती है। और जहाँ कोशिकाओं में क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। स्वाद कलिका हमारी जीभ, जीभ में भी हमारे स्वाद कलिका होती है। जीभ से ही हम स्वाद लेते हैं कि अब वस्तु कैसी है, मीठी है, खट्टी है, नमक है, उसमें भी ये, क्योंकि सारा इनका सेंसरी कोशिकाएँ हैं, इनमें सेंसरी तंतु हैं। तो सारे हमारे घ्राण है, हमारा नाक की श्लेष्मिक कला है, या हमारा कान का आंतरिक भाग है, या हमारी रेटिना आँखों में जो है वो शंकु रॉड्स पाए जाते हैं, तो उनमें भी ये पाई जाती है, है ना। कॉन्स और रॉड्स के बीच में भी ये पाई जाती है। शंकु में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कॉन्स और रॉड्स, है ना। तो शंकु जो है, शंकु में भी ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है हमारी स्वाद कलिका, हमारे जीभ में भी ये पाई जाती हैं। तीसरी है रंग उपकला, ये नेत्रों के दृष्टि पटल के आधार स्तर पर उपस्थित होती है, है ना। रेटिना के जो आधार स्तर है वहाँ पर ये पाई जाती है। जहाँ कोशिकाओं में रंग कण पाए जाते हैं, रंगों का भेद करते हैं हमारी आँखें, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, तो वहाँ पर भी ये कोशिकाएं आधार पर उपस्थित होती हैं। और ये उन कोशिकाओं में रंग कण पाए जाते हैं वहाँ पर ये उपस्थित होती हैं। नेत्रों का जो रेटिना भाग है उसके आधार स्तर पर इनकी मौजूदगी देखी गई है। और इस प्रकार से ये सारे हमारे नाक, कान, जीभ और रेटिना आँख जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये तंतु पाए जाते हैं। त्वचा की कोशिकाओं के बीच नग्न तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, है ना। ऐसी तंत्रिका, त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में ये
खुली हुई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण त्वचा जो है संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। अगर आप आग के पास त्वचा को लाएंगे तो महसूस करेगी हमारा हाथ जल रहा है, एकदम हाथ जो है पीछे हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी विशेषीकृत उपकला या स्पेसिफायर स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम, ठीक है। और ये भी तीन प्रकार की आपको बता दी गई है। बच्चों मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें और पढ़ें और समझें। मैंने कई प्रकार की आपको यह एपिथीलियम पढ़ाई है, अभी एक आध और बकाया है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। इस प्रकार से आपको अपनी स्टडी जारी रखना है। इस समय आपकी शायद प्रिपरेशन लिप्स होंगी, 10th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप लोग 9th क्लास के बच्चों के पास वक्त है। मेरे चैनल को देखें, शेयर करें तथा अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बताएं तो मुझे लाभ मिलेगा, वरना कोई मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।